कनाडा में बवाल काट रखा है, लेकिन कनाडा चूं तक नहीं कर रहा। खालिस्तानी और उपद्रवी किस्म के कुछ लोग भारतीयों की आस्था और उनकी भावना के साथ आए दिन खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन कनाडा की सरकार एक्शन लेने की बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठी है। दरअसल हुआ कुछ यूं, कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में एक परेड निकाली गई, जिसमें भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का सीन दिखाया गया। भारत सरकार ने इस झांकी पर सख्त आपत्ति जताई और कनाडा को कड़ा संदेश दिया कि अलगाववादियों को बढ़ावा देना उसके लिए ठीक नहीं होगा। भारत में मौजूदा कनाडा के उच्चायुक्त ने भी इसकी निंदा करते हुए कहा कि कनाडा में नफरत के लिए जगह नहीं है। लेकिन हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, ये वाली कहावत कनाडा पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि कनाडा की पुलिस कह रही है कि ये हेट क्राइम नहीं है। भारत की सख्त आपत्ति के बाद जब कनाडा पर दबाव पड़ा तो ब्रैम्पटन शहर के मेयर पैट्रिक सफाई देने के लिए सामने आए। उन्होंने इस घटना को लेकर बयान जारी किया, लेकिन इससे ये साफ हो गया कि कनाडा की मंशा अलगाववादियों को रोकने की कतई नहीं है। घटना पर किसी तरह की कार्रवाई करना तो दूर, ब्रैम्पटन पुलिस को इसमें कुछ गलत ही नहीं लगता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेयर ब्राउन ने कहा, पुलिस ने वीडियो की जांच की है और उनका मानना है कि ये हेट क्राइम का मामला नहीं बनता है। बयान में आगे इशारा किया गया कि कनाडा का संविधान लोगों को विचार, विश्वास और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। बयान में कहा गया है, संविधान में कोई भी बदलाव संघीय स्तर पर किया जा सकता है, पुलिस केवल कानून को लागू करती है, उसने इसे लिखा नहीं है। बता दें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी से पहले 4 जून को कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तान समर्थकों ने एक परेड निकाली। 5 किलोमीटर लंबी परेड में मौजूद एक झांकी में इंदिरा गांधी की हत्या का दृश्य दिखाया गया। इसका वीडियो कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने शेयर किया, जिसमें इंदिरा गांधी के पुतले को खून से सनी साड़ी पहने खड़ा किया गया। इसके सामने दो शख्स बंदूक ताने खड़े थे, पीछे लिखा था बदला। वीडियो सामने आने के बाद भारत ने कनाडा को जमकर लताड़ लगाई। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, मुझे लगता है कि ये मुद्दा कनाडा की जमीन के इस्तेमाल का है, जो अलगाववादी, चरमपंथी और हिंसा की वकालत करने वाले लोगों को दिया जाता है। जयशंकर ने कहा कि मुझे लगता है कि ये दोनों देशों के संबंधों के लिए सही नहीं है और ना ही ये कनाडा के लिए ही ठीक है। और इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।